सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा थर्ड से हॉस्टल शुरू, कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की नौवीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, 9952711118929551111। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। बीमा क्लेम को लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही हैं, तो ऐसे में बीमा क्लेम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के पास जाने की कोशिश की, लेकिन समय जो है वो मिला नितासा राकेश सिहाग से, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में एक पानी चोरी का मामला जो है वो काफ़ी ज्वलंत मुद्दा इन्होंने उठाया था कि पानी चोरी होता है, और उस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे, मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर भी बातचीत करेंगे, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो बीमा क्लेम पे भी बातचीत करेंगे। नितासा जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीमा क्लेम को लेकर के काफी संशय बना हुआ है। मार्च में बीमा क्लेम आ जाना चाहिए था, लेकिन आज 4 महीने हो चुके हैं, 79 विलेजेस जो है वो अभी भी पेंडिंग है बीमा क्लेम से, और 2021 के 111 गाँव जो है वो लंबित हैं। तो इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों नहीं बीमा? देखिए, जहाँ तक बात है किसान भाइयों के बीमे की, मैं खुद एक किसान होने के नाते मुझे भी ये है कि किसान भाइयों का जो बीमा क्लेम है वो जल्द से जल्द उनको मिलना चाहिए। हमारा हक है, वो हमारा अधिकार है, उसमें किसी तरह की कोताही या डिनाई नहीं होना चाहिए बातों को लेकर। और इसको लेकर मैं अभी 2 दिन पहले ही मेरी DC साहब से मुलाकात हुई है, और उससे पहले मैंने ये मामला ऊपर संज्ञान में भी लेकर आई थी कि हमारे कुछ हैं जिनमें बीमा क्लेम की राशि अभी तक नहीं आई है। कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आनी थी और कुछ जो है वो बीमा कंपनियों से क्लेम की राशि मिलनी थी, वो किसी ना किसी कारणवश से लेट हो रही है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को बड़ी दिक्कत आ रही है। और नेचुरल बात है कि जो ये टाइम होता है, ये हम अगर बागड़ी भाषा में कहें तो ये 13वां महीना चल रहा है हम सभी किसानों के लिए, क्योंकि इस मौसम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होती है। हमारी मौके की जो फसलें हैं उसमें खाद डालनी है, रे डालनी है, स्प्रे करनी है, तो इस टाइम हमारा सिर्फ खर्चे का टाइम होता है, और ऐसे में हम अभी बीमा भी लेट हो रहा है, तो इसमें बड़ी दिक्कतें लग रही हैं। तो जब अभी मेरी रिसेंटली DC साहब से मुलाकात हुई और डिपार्टमेंटली भी इसमें जब पूरा क्लैरिफाई किया गया, तो उन्होंने बड़ा आश्वस्त करके ये बात कही कि अगस्त के एंड तक 2020 और 2021 की जितनी भी क्लेम की राशि है वो उन सारे मेरे किसान भाइयों के अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो मेरा भी, जैसे आपने मेरे से सवाल पूछा, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूं, तो मैं कोई वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी के नाते नहीं गई थी, मैं खुद एक किसान होने के नाते ही DC साहब से मिली हूं। तो मैंने, मेरा भी यही सवाल था कि अगर जो क्लेम था वो मार्च में आ जाना चाहिए था, क्या ऐसे रीजंस रहे, क्या कारण रहे कि ये क्लेम इतना लेट हो गया है? तो उसमें डिपार्टमेंट की तरफ से DDA जी साहब हैं, उन्होंने भी ये बड़ा क्लैरिफाई तरीके से हमें बताया कि जो हमारा कुछ चीज़ों को लेकर डाउट था कि जो 100% डैमेज हुई हैं फसलें, उनको लेके बड़ा डाउटफुल थे कि 100% डैमेज हुआ भी है कि नहीं हुआ है। और उसमें इसमें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो किसानों को लेकर बड़े सीरियस हैं और बड़े सेंसिटिव तरीके से इस चीज़ों को लेते हैं, इसीलिए जो टेक्निकल टीम को लगाया गया है वो किसी भी बीमा क्लेम कंपनियों की टेक्निकल टीम को नहीं लिया जाता, वो डायरेक्ट केंद्र सरकार की खुद की टेक्निकल टीम इसमें ऑथराइज्ड है और इन्वॉल्व है, ताकि किसी भी मेरे किसान भाई के साथ कोई भी गलत ना हो। अगर वाकई उसकी 100% फसल डैमेज हो गई है तो उसको उस हिसाब से क्लेम की राशि ज़रूर मिलनी चाहिए। तो ये भी एक रीज़न रहा जिसकी वजह से मतलब कि थोड़ा बीमा क्लेम लेट हो गया है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो बीमे की राशि टाइम टू टाइम किसानों को देने का काम हरियाणा सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी करने का काम किया है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो राशि है, ये मैं ये तो नहीं कहती कि किसानों के लिए, हम सब के लिए ये राशि बहुत बड़ी राशि होती है, क्योंकि जब
हम ये सोच के तो कभी बीमा नहीं करवाते, या ये सोच के हम लोग कभी मतलब के नहीं सोचते कि हमारी फसल डैमेज हो जाए, क्योंकि अगर हमें बीमे की राशि फॉर एग्जांपल एक किले के एक एकड़ के पीछे हमें 2,500-3,000 रुपये मिल रही है, तो हमारी फसल तो पता नहीं उसमें कितनी होती। लेकिन जो भगवान, जो हमारी प्राकृतिक आपदाएँ हैं, उन पर किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन किसान पूरी तरह डैमेज ना हो जाए, उसको कहीं ना कहीं से राहत मिले, इसी चीज़ को लेकर ही फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। 2,500-3,000 रुपए से राहत मिल जाएगी किसान को एक एक। देखिए, मैंने एक एग्जांपल दी है आपको, इसमें आए भी है बीमा राशि, इतनी आई भी है, तभी मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके 500 रुपए से 300 रुपए से लेकर के 2,000 रुपयों तक आई है, तो इससे कितनी राहत आप मानते हैं कि मिलेगी? देखिए, किसान को राहत तो तब मिलती है जब उसकी 100% फसल जो उसने बोई है वो सही तरीके से भगवान उस पर कोई आपदा ना घेरे और वो सही तरीके से मंडी तक चली जाए, किसान तभी राहत लेता है। लेकिन जहाँ तक राशि की बात है, मैं एग्जैक्टली तो आपको इसमें फिगर काउंट नहीं बता सकती कि किसके खाते में कितनी है, क्योंकि वो तो पर एकड़ के हिसाब से या डैमेज के हिसाब से या जो एक पोर्टफोलियो बनाया गया है उसके हिसाब से काउंट होती है। इसमें तो हम अगर बात करें तो अगर आप के कहने के मुताबिक 300 रुपये आइए, तो कहीं 3,000 से भी ज़्यादा की राशि आई है। तो वो एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के देखने का काम है। मेरे को लगता है वो मेरे से कंसर्न या आपसे कंसर्न नहीं है, वो टेक्निकल डिपार्टमेंट देखता है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है ना, कि किसानों के खाते से काटे जाते हैं 1,700 रुपये और इस बार 1,800 रुपये के लगभग हैं, या पिछली बार की बात करें तो 1,500 रुपये के आसपास जो 1,500-1,600 रुपये काटे गए थे, लेकिन अब उनको 300 रुपये दिए गए हैं। तो ये किस क्राइटेरिया के माध्यम से दिए गए? एक तरफ तो कंपनी कहती है कि 25% से कम नुकसान होता है तो हम नहीं देते हैं। अगर 25% से कम नुकसान नहीं है, आप नहीं देते हो, तो 25 से ऊपर होते ही 3,000-5,000 रुपये तो बनने ही चाहिए, लेकिन उनके खाते में 300 रुपये कैसे? जो अभी आपने मेरे को ये टेक्निकल पॉइंट बताया है, मेरे को लगता है ये काफ़ी एक हद तक सीरियस इशू है, तो उसको लेकर मुझे लगता है हम सबको एक प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। मैं इस बात को ज़रूर रखूँगी, नेक्स्ट टाइम जब भी मेरी सीएम साहब से मुलाकात होती है तो मैं इस पॉइंट को लेकर उनसे बड़े सीरियसली डिस्कस भी करूंगी कि इसका जो क्रेडिट एरिया है किस हिसाब से और क्या सोच के ये टेक्निकल टीम डिसाइड करती है, ताकि इसका हमें पूरी तरह से पता लग सके। अभी मैं कुछ आपको आंसर दे दूँ, कल को वो आंसर ऑथेंटिक ना हो, तो मुझे लगता है उससे बढ़िया है कि हमें पहले इस चीज़ को टेक्निकल तरीके से पूरी तरह समझना चाहिए भी ये क्या क्राइटेरिया डिसाइड होता है और कैसे डिसाइड होता है। अभी आपने कहा कि कुछ कारणों की वजह से या 100% खराबा जो है वो दिखा दिया था, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये 100% खराबा 2021-20 का भी बीमा पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्या उसी में ही ये इम्प्लीमेंट है या 2021 वाले में ये अभी लागू हुआ है कि 100% खराबा? नहीं, ये मेरी जब उनसे 2020 और 2021 दोनों सालों के बीमे को लेकर बात हुई है, तो ये उन्होंने मुझे म्यूचुअली बताई है। अब ये उन्होंने मुझे, मैं ये कहूँ कि 100% क्लैरिफाई है कि 2021 में भी 100% डैमेज का है, तो ये नहीं कहूँगी मैं। लेकिन 2020 में मुझे ध्यान है, क्योंकि खुद मेरे गांव का क्लेम अभी तक बकाया है। 2020 में हमारी फसलें 100% डैमेज हुई थी, लेकिन टेक्निकल डिपार्टमेंट का अपना एक कंसर्न होता है, अपनी एक सोच होती है कि 100% डैमेज कैसे पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे हो सकता है, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा लेट हुआ है। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो बीमा लेट हो रहा है उसमें सरकार का कुछ ना कुछ हाथ है, या किसी भी कारणवश हो चाहे लेट लतीफी? देखिए, सरकार कभी भी अपनी तरफ से कुछ भी लेट करने का काम नहीं करती। बीमा लेट हुआ क्यों? मैं आपको अभी जो मैंने आपको बताया कि कुछ टेक्निकल रीजंस होते हैं। अगर हम बात करें किसी भी योजना को लेकर जो किसान के हित की योजना होती है, चाहे वो फसल बीमा योजना को लेकर हुई, चाहे भाव भावांतर योजना को लेकर हुई है, चाहे किसी भी तरह की योजनाएं लागू करने की बात आती है, अगर केंद्र सरकार उसमें कोई भी योजना लागू करती है तो हमारे माननीय हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जी उसमें ऐड ऑन करके देते हैं हमेशा किसान को। चाहे वो किसान निधि की बात, 6,000 रुपये मोदी सरकार ने देना निश्चित किया, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से 6,000 रुपये हमारे हरियाणा के किसानों को देने का काम किया।
तो कतई हमारे माननीय सीएम साहब की मंशा नहीं होती कि किसी चीज़ को लेट किया जाए, लेकिन उनको ये लगता है कि कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी किसान के साथ कभी भी कुछ गलत ना हो जाए, और वो बड़ा सोच समझ के बड़ा सारी चीज़ों को परख के ये कोशिश करते हैं कि किसान को उसका पूरा हक दिया जाए। अभी आपने कहा कि जितने भी स्कीमें लॉन्च की हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भी कोई सी भी स्कीम जो है उसका हर किसान को फ़ायदा मिला होगा, चाहे वो भाव भावांतर की बात हो या फिर वो जो धान ना लगाने की एवज में जो 7,000 रुपये देने की बात हो, बाजरा की बात हो। किसान जो हैं वो शायद आप गांव-गांव में जाते होंगे तो आपको भी किसान बताते होंगे, लगभग किसान जो है वो उससे वंचित हैं, तो ऐसे में कमी किसकी माने? देखिए, मैं खुद एक बिज़नेस को रन करती हूँ, अगर हमें कभी भी किसी नई चीज़ को लेकर आना होता है फील्ड में, तो उसके लिए नो डाउट उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी, उसको लागू करने में और उसको आगे परस्यू करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अगर हम ये तो चलो सरकार की बात है, हरियाणा गवर्नमेंट की बात है, ये पूरे हरियाणा को देखने की बात है, अगर हम एक छोटे से अपने खुद के पर्सनल घर की बात करें, अगर हमें एक घर से दूसरे कमरे में भी शिफ्ट होना हो तो भी हमें टाइम लग जाता है, चीज़ों को व्यवस्थित करने में हमें समय लगता है, एक जगह से दूसरी जगह हमें एडजस्ट होने में वक्त लगता है। इसी तरह से अगर हम फसल बीमा योजना की बात करें, आज हम बात कर रहे हैं कि क्लेम की, लेकिन कुछ समय ऐसा भी था पहले जब हम अपना बीमा कटवाना भी नहीं चाहते थे। ये चीज़ें होती हैं, मतलब कि समय के अनुसार अपने आप को हमें उसके अकॉर्डिंग कैसे ढालना है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे हरियाणा के सीएम श्री मनोहर लाल जी, उनका कभी ये नहीं रहता कि कभी भी किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के माध्यम से अगर कोई चीज़ आ रही है उससे कोई वंचित रहे, क्योंकि हमेशा से इस बात को तो आप भी मानते होंगे, इस बात को विपक्ष भी मानता है कि माननीय मनोहर लाल जी बहुत ही पारदर्शिता से काम करते हैं, वो कभी भी किसी तरीके में कभी भी भेदभाव करने का काम नहीं करते। चाहे हम हरियाणा, हमारे पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बात ले लीजिए, सिरसा डिस्ट्रिक्ट ने विधानसभा के चुनाव की हम बात करें, एक भी विधायक हम सिरसा से जिताकर भारतीय जनता पार्टी का नहीं भेज पाए, लेकिन सीएम साहब की जब भी यहाँ रैली हुई है तो जो भी डिमांड्स आई हैं उसमें से जितनों की फिजिबिलिटी ओके हुई है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अनाउंसमेंट्स हुई हैं और काम भी हुआ है। तो इससे, और जैसे अब हरियाणा सरकार की बात कर लें, हरियाणा सरकार के अंदर जितनी भी नौकरियाँ लगी हैं, चाहे वो कोई भी रिजल्ट आए, आप उसमें देख लेना कि 70-80% लोग ऐसे गवर्नमेंट जॉब लगते हैं जिनके घर में, मतलब कि आप जाकर देखोगे कि उनके घर में कोई सुविधा भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक जोश है, जुनून है सिर्फ पढ़ाई का, और उसी जोश और जुनून के कारण और माननीय हमारे हरियाणा सरकार, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जी की पारदर्शिता के कारण, उनकी ईमानदारी के कारण वो बच्चा आज नौकरी लग रहा है। अभी आपने कहा कि जो भी फिजिबिलिटी होती है वो पूरी होती है, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि शेरावाली माइनर की टेल पे पानी जो है वो 15 जून से पहले पहुंच जाएगा, आज भी उस टेल पे पानी नहीं पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1 जून से ओटू हेड की खुदाई हो जाएगी, केवल 400 टन मिट्टी जो है वो वहां से उठाई जा चुकी है। तो ऐसे में ये दो ऐसी मुख्य घोषणाएँ हैं जिनका किसानों को बेसब्री से इंतज़ार था, वही अगर पूरी नहीं हुई है तो कैसे हम माने कि मुख्यमंत्री जी के अधिकारी मान लेते हैं या फिर उनकी जो है वो घोषणाओं पे इम्प्लीमेंट। अगर हम सीएम साहब की घोषणाओं की बात पर आएं तो माधव सिंगाणा के अंदर पीएससी की डिमांड, जिसको माननीय हमारे हरियाणा सरकार के सीएम हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने पूरा, जो घोषणाएं पूरी हो गई उनके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को पहले से ही धन्यवाद दे देता हूं कि हो गई, जो घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं डिमांड करने के बावजूद भी उन पे आपका रिप्लाई? देखिए, सबसे बड़ी बात, आप खुद अपने चैनल के माध्यम से ये स्वीकार रहे हैं कि सीएम साहब ने घोषणाएँ की वो पूरी हुई हैं, तो अगर हम पुराने अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो उनकी घोषणाएं वो घोषणाएं ही रही हैं, लेकिन ये अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात में, वही पूरी हुई है जो छोटी छोटी घोषणाएं थी, बड़ी बड़ी जो घोषणाएं थी वो पूरी नहीं। बड़ी घोषणा से हमारे कुत्ता बड रानिया पुल की कितनी बड़ी डिमांड थी, इसको पूरा करने का काम, लेकिन उसमें मैं उसमें बताती हूँ, उसमें सीएम साहब की कोई गलती नहीं थी, उसमें हमारे जो उसमें ज़मीन एक्वायर करने की बात थी उसमें जब फर्स्ट ऑफ ऑल जो एफिडेविट्स दिए गए उसमें कुछ था, सेकेंडरी वो एफिडेविट्स चेंज हुए, फिर थर्ड फर में फिर चेंज हुए, फिर फोर्थ में फिर चेंज हुए, लेकिन लास्ट में जाकर भी सीएम साहब ने ये डिसाइड किया भी जो भी चाहते हैं किसान उनको उनके अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। उन्होंने लास्ट में
पूरा करने का काम किया। और अभी आप शेरावाड़ी जिस नहर की बात करें, इसमें तो कोई एफिडेविट नहीं चाहिए, और ओटो हेड की खुदाई में भी कोई एफिडेविट नहीं चाहिए। उसी में आपको बताती हूँ, शेरावाली जो ये हमारी नहर की लेवलिंग की बात थी, इसकी खुदाई की बात थी, ये हमने खुद सीएम साहब को मैटर उठाया था, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा टेल पे बैठे हैं, हमें सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत आती है। तो ये एक बड़ा आज का विषय नहीं है, ये विषय बहुत पुराना विषय है, आज का नहीं, हमारी पीढ़ियां बीत चुकी हैं इस लड़ाई को लड़ते लड़ते। लेकिन माननीय सीएम साहब का हम तहे दिल से धन्यवाद इस बात का करते हैं कि कम से कम उन्होंने हमारी दिक्कत को समझा है, हमारी परेशानी को समझा है, और इसके लिए बकायदा एक कमेटी गठित हो चुकी है। उस कमेटी की मैं खुद सदस्य हूँ, और उस कमेटी का गठन हो चुका है, जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चाहते हैं, उसमें थोड़ा एंगल टेक्निकल तरीके से चेंज था। कुछ किसान ये चाहते थे कि इसको बंद तरीके से नहर को लेके आया जाए, और कुछ किसानों का ये सजेशन था कि इस नहर को बंद करके ना लेके आया जाए, इसको ओपन में छोड़ा जाए, जिसको लेकर टेक्निकल टीम के साथ जो था वो समन्वय नहीं बैठ पा रहा था। वो मैं सीएम साहब की वजह से लेट नहीं मानती, क्योंकि मैं टेक्निकल मैं उस टीम का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं आपको बड़ी क्लियरली बता रही हूँ। ये हम जो हमारा डिसीजंस होते हैं, हम डिसीजंस हमारे चेंज करते रहते हैं, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, बट इसके ऊपर भी बहुत जल्दी, अभी भी मेरी बात हुई है, इसके ऊपर बड़ा जल्दी काम शुरू हो जाएगा, और बड़ी तेज़ी से काम होगा, आने वाले कुछ ही समय में इस काम को पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब मुझे ये बताइएगा कि इस नहर की टेल पर 15 दिनों में पानी पहुँचाया जा सकता है, पॉसिबल है? पहुँचाया है, ऐसा नहीं है अभी बिल्कुल नहीं पहुंच, अब क्यों नहीं पहुंच रहा है? अब एक महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब क्यों नहीं पहुंच रहा? एक महीने से ज्यादा का समय आप अपने तरीके से कह रहे हैं, लेकिन एक महीने में 29 मई को रैली थी मुख्यमंत्री जी की, 29 मई के बाद में जून पूरा निकल चुका है, जुलाई के कितने दिन हो गए, आज 27 जुलाई है, एक महीना और 29 दिन हो चुके हैं, उसमें 15 जून तक टेल पर पानी पहुंचने की बात थी, अब तक नहीं पहुंचा है। हमारे टेल पर जहां तक पानी पहुंचने की बात है, एक बार टेल पर पानी पहुंचा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं पहुंचा। वो चुनाव के समय में, मैं इसमें पर्टिकुलरली मैं आपसे भी कहूंगी, और मेरी सभी से ये अनुरोध भी है, जिस चीज़ की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं या जिस चीज़ की डिमांड हम लोग कर रहे हैं, तो उस चीज़ को भाईचारे के नाते हम लोगों को करना चाहिए। अगर उसमें हमारे पास कुछ अच्छे सजेशंस हैं, हम सीएम साहब और टेक्निकल टीम को अच्छे सजेशन दे सकते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी मेरे भाइयों से आह्वान भी करती हूं कि अगर वो अपने अच्छे सजेशंस इस पे दे सकते हैं, हमें काम करवाना है, इसमें हमें पॉलिटिक्स नहीं खेलनी। सवाल ये था कि 15 दिन में पानी टेल तक कैसे पहुँचाया जा सकता है, और अब क्यों नहीं पहुँच? इसमें मेरी जब एससी साहब से बात हुई थी अभी रिसेंटली, परसों ही मैंने अभी आपको बताया कि एक हमारे कुछ मामला था उसको लेकर, और पर्टिकुलरली हमारी खारी सुरेरा और मिठनपुरा माइनर की लेवलिंग को लेकर मेरी बात हुई है। लेकिन अब अगर हम बात करें मिठनपुरा और जो खारी सुरेरा की माइनर की बात है, उसकी अभी अगर मैं लेवलिंग की बात कहूँ, उसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि नहर में अभी पानी चल रहा है। तो ऐसे ही हमारे छोटे छोटे कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से काम थोड़े से लेट होता है। लेकिन अभी भी मैं आपको इसी चीज़ के लिए आश्वस्त करती हूँ कि आपका चैनल बहुत से लोग देखते हैं, और मैं अभी भी एससी साहब से रेगुलर इस बात को लेकर टच में हूँ, जी हमें जो भी आपके टेक्निकल इश्यूज हैं, हमें कहाँ डिस्कस करने हैं, कैसे करने हैं, और कैसे हम लोग पानी पहुँचा सकते हैं। मेरा भी पुरजोर यही प्रयास है कि हमारी टेल तक पानी आए, क्योंकि उस टेल का पानी लेने के लिए मैं प्रयासरत हूँ, ना कि किसी इसमें इतना सोचने समझने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अभी आपने कहा कि पहुँचा है, 15 दिन में पहुँच सकता है, और अभी आपने लेवलिंग का बहाना बनाया कि लेवलिंग सही ना होने के कारण, तो वो जो पहले पहुँचा वो कैसे पहुंचा है? सिर्फ इतना सही करना है कि जो जिस तरह से पहले पहुंचा था उसी तरह से आप पहुंचा दीजिए। अगर इतना इजी होता जाखड़ साहब, तो मुझे लगता है कि ना तो आपको इतने सवाल करने पड़ते, ना मुझे इतने सवालों का जवाब देना पड़ता, और ना ही किसान आज तक टेल पे प्यासा बैठा। मतलब कि मुख्यमंत्री जी के पास भी इसका जवाब नहीं होगा? ऐसा नहीं है, जो ये अगर इस माइनर की आप बात करें, जब इस माइनर को लाया गया था, तब जब ये माइनर लाने वाले थे, वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कब ये माइनर आई थी, उस टाइम अगर इसको टेक्निकल तरीके से किया गया होता, उस टाइम अगर ये सोच लिया जाता भी टेल पर बैठे लोग प्यासे रह जाएंगे, तो मुझे लगता है ये दिक्कतें कभी आती नहीं। और जब टेक्निकल किसी चीज़ में कोई इशू आ जाता है, तो उसको सुधारने में समय लगता है, मेरा ये मानना है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और तब वो मुख्यमंत्री भी थे, वो उप प्रधानमंत्री भी रह चुके, उन्हीं के पार्टी के विधायक भी हैं,
उन्होंने ये जवाब दिया था और उनका ये जवाब होता था हमारे टेल के किसानों को कि आप कुछ भी मांग लो, पानी मत मांगना। इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ कर रखा है भी वो पानी दे नहीं सकते थे। लेकिन मैं ये कहूँगी अब वो गड़बड़ सही हो गई नहीं, बिल्कुल टेक्निकल तरीके से जब इसमें इतना हैवी बजट लगना है, 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट इसमें लगना है, तो आप मान के चलिए अगर 100 करोड़ रुपया किसी चीज़ के लिए सेंक्शन हो रहा है तो फिर जी 15 दिन में पानी कैसे पहुंच जाएगा? ये ऐसा नहीं होता 15 दिनों में पानी, जब पीछे किसान जो कई बार क्या होता है कि पीछे किसानों का जब पानी पूरा हो जाता है, इसमें मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एक पानी चोरी का मुद्दा मैंने अभी लिया है, उसमें अगर किसान भी किसान की मदद कर देना तो भी टेल पर पानी आ जाए। पानी चोरी रोकेगा कौन? किसान? हम रोकेंगे बिल्कुल, अपने हक की लड़ाई कौन लड़ेगा, हम खुद लड़ेंगे। जब तक किसान अपने हक की खुद की लड़ाई नहीं लड़ता तब तक हो ही नहीं सकता। वही मैं ये नहीं कह रही जो पानी चोरी कर रहे हैं वो भी किसान ही हैं, लेकिन हमें हमारे लालच से ऊपर उठना पड़ेगा। जो किसान, मैं ये नहीं कहती, वो उसको भी फसल के लिए पानी चाहिए होता है, लेकिन फसल के लिए जितना पर्याप्त पानी है उतना ले रहा है ना वो पानी। वो एक किसान तो ऐसा है जो वो पानी बोर के अंदर डाल रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा किसान है जो रो रहा है पानी के लिए, तो यहाँ किसकी गड़बड़ है? तो मेरा ये कहना है कि ये भाईचारा है हमारा, हरियाणा भाईचारे के नाते जाना जाता है। किसानी एक भगवान, किसान जो होता है वो भगवान का रूप होता है क्योंकि अन्न देने वाला भगवान होता है। तो इस नाते से मुझे लगता है कि हमें आपस में मिलजुल के काम करना है। अगर हम आपस में भी ये पानी चोरी बंद कर दे तो भी टेल पर आराम से पानी पहुंचे। बीमा क्लेम पे मैं वापस आता हूँ, एक दो सवाल बीमा क्लेम पे मेरे रह चुके हैं कि अब किसान से बीमा जब लिया जाता है तो लास्ट तारीख, लास्ट डेट जो है वो निर्धारित कर दी जाती है कि 30 जुलाई या 31 जुलाई से पहले बीमा होगा, उसके बाद नहीं होगा। लेकिन जब देने की बारी आती है तब इनका कभी कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है, कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है। किसान अगर किसी के पास जाते हैं तो वहाँ जा भी नहीं सकते, बीमा कंपनी का अधिकारी कौन है, कहाँ इनका कार्यालय है वो भी पता नहीं होता, तो ऐसा क्यों है? कब तक ये जो है वो समस्या का समाधान की आप मांग करेंगे क्या मुख्यमंत्री जी से? ये मांग हो चुकी है, ये हो भी नहीं चुकी, ये सीएम साहब ने खुद ही, सीएम साहब के मामले जब संज्ञान में ये मामला आया था तो सीएम साहब ने खुद ही ये बात को बड़ा गहराई से सोचते हुए ये सोच लिया था कि ये दिक्कतें किसान भाइयों को आती हैं, उसी के लिए किसानों के हित के लिए ही माननीय सीएम साहब ने ये डिसाइड किया था कि जो ये इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं क्यों ना इनके चंगुल से किसानों को निकाला जाए और इनको सभी को गवर्नमेंट के पोर्टल पर लाया जाए, और इसके लिए बड़ा ज़ोरदार तरीके से काम हो रहा है। और मुझे बहुत जल्दी उम्मीद है कि इसके ऊपर काम कंप्लीट होते ही मेरे, हमारे सभी किसान भाइयों को, हमें खुद को बहुत राहत मिलेगी। यानी कि इस बार जो बीमा होगा वो बीमा कंपनी नहीं, सरकार खुद अपने पैनल के माध्यम से करेगी। देखो किस सरकार की कोशिश, मैंने जैसे पहले भी कहा हर बार यही रहती है कि किसानों के लिए जो भी कुछ करना चाहती है बहुत जल्दी और स्पीड अप तरीके से करने की कोशिश करती है। जिस तरह से नहर में पानी पहुंचाती है, देखिए अब आप एक ही मुद्दे को लेकर, एक ही चीज को लेकर ऑटो ऐड के खुदाई नहीं, ऐसा तो फिर रत्ताखेड़ा माइनर की बात कर लीजिए। किसी वक्त ये हालात थे कि रत्ताखेड़ा माइनर में एक बूंद पानी नहीं का, आपने जो बात कही मैंने तो उस बात पे आपको जवाब दिया, और आज रत्ताखेड़ा माइनर की टेल के एंड तक पानी है और बड़े किसान उससे खुश हैं। तो कुछ समय लगता है, कुछ टाइम लगता है, मुझे भी पूरी उम्मीद है कि जल्दी हमारी इस प्रॉब्लम का सलूशन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बीमा पे अभी आए थे, अभी चलिए बात करते हैं फसल मुआवजा की। अभी आपने पीठ थपथपाई कि सरकार ने बहुत सारा पैसा दिया है, ये तो किसानों का पैसा था, किसानों से बीमा कंपनी ने लिया और बीमा कंपनी ने वापस कर दिया, उसमें भी बीमा कंपनी लेट लतीफ़ी कर रही है। एक साल तक का समय, एक साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है लेकिन अभी तक वो पैसा किसानों को नहीं मिला। उसके बाद अगर पीठ ही थपथपानी है तो मुआवजा जो पेंडिंग पड़ा हुआ है 2020 का 258 करोड़ रुपये के समथिंग पड़ा हुआ है, वो आखिर सरकार क्यों नहीं दे रही? देखिए जो अभी आपने सवाल उठाया, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस मामले में मैंने भी यही सेम सवाल, मेरे भी डीसी साहब के पास जब मेरी इस पे डिस्कशन हुई है तो मेरे भी किसान के नाते यही चीज़ें रहती हैं, क्योंकि हमारा काम है जो हमारे पब्लिक में जिसमें रहते हैं हम, जनता को, हमारे किसानों को, हमें खुद को जो दिक्कतें आ रही हैं उससे अवगत करवाने का काम हमने भी करना है सरकार से। दिक्कतें जनता को हैं, किसानों को हैं ना, इस तरह देखिए मैं
इस बात पे मानती हूँ कि इस धरती पर जो इंसान पैदा हुआ है उसको दिक्कतें होती हैं। कोई भी इंसान जो पैदा होगा, या तो फिर वो भगवान हो, उसको दिक्कतें ना आए। संघर्ष हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और मैं इस मुद्दे को लेकर के कह रहा हूँ कि बीमा क्लेम या फसल मुआवजे को लेकर के किसानों को दिक्कतें होंगी। नहीं, देखिए, जब भी मैंने कहा ना अभी कि जिस भी चीज को आप किसी भी नई चीज को जब लागू करते हैं, तो हमें अगर कुछ अच्छा पाना है, कुछ अच्छी व्यवस्था खड़ी करनी है। मतलब सीधा सीधा आप नहीं मान रहे हैं दिक्कत है। नहीं, मैं मानने की बात क्यों नहीं है, मैं खुद भी तो उसमें ही हूँ ना। अगर आप बात कर रहे हैं बीमा की, मेरा गांव भी उसी बीमे में, खुद भी मैं उसी बीमे में हूँ, तो आई एम द पार्ट ऑफ दिस ना, कि मैं खुद ही इस चीज का पार्ट हूँ। मैं खुद संघर्ष कर रही हूँ हर चीज के लिए, और मुझे मैं इस बात में बिलीव करती हूँ कि जो इंसान अपने लिए, अपने साथियों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लोगों के लिए संघर्ष करता है, विजय अवश्य होती है, और संघर्ष की कभी हार नहीं होती। तो अभी बीमा मुआवजा को लेकर के जब आप डीसी साहब से के पास गए, तो उनके पास क्या कोई रिप्लाई मिला आपको संतोषजनक जवाब? बिल्कुल, उन्होंने मेरे को बड़ा आश्वस्त तरीके से ये बताया है कि 1 अगस्त से लेकर अगस्त एंड तक 2020 और 2021 का जो मुआवजा है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है, चाहे वो बीमा कंपनियों से, वो दोनों क्लेम किसानों के खाते में आ जाएंगे। और इस जो हमारा ये किसानों के हित की बात है, मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी, और मैं हमेशा से एक ही बात कहती आई हूँ कि मैं खुद इसका पार्ट हूँ, और किसानों के लिए जब भी कोई बात रखनी होगी, कहीं भी रखनी होगी, तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ, और हमेशा मैं उस बात को रखूँगी, चाहे वो हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पर रखनी हो। और मुझे लगता है कि हमारे हरियाणा के CM इतने संवेदनशील है कि उन तक जब भी कोई बात रखी गई है, तो उन्होंने बड़ी सेंसिटिव तरीके से उसको सुना है, समझा है, और उसको इम्प्लीमेंट करने का भी काम किया है। अब अगर 31 अगस्त तक बीमा और मुआवजा जो है वो दोनों नहीं आते हैं, आपने कहा कि आश्वासन दिया है, तो आपको क्या लगता है कि आ जाएगा पक्का? देखिए, उम्मीद के भरोसे सारी दुनिया टिकी होती है। मुझे एक एडमिन, एक DC लेवल के अगर हमारे अधिकारी ये कह रहे हैं कि आएगा, तो मुझे लगता है कि हमें विश्वास करना होता है। जब पहले भी यही अधिकारी जो है वो पिछले 4 महीनों से कह रहे हैं। देखिए, मुझे बाकियों का नहीं पता, मेरी फर्स्ट मीट थी DC साहब के साथ इस अपार्ट को लेकर, और मुझे लगता है कि 100% हमारे किसानों को राहत मिलेगी। ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो नेक्स्ट जो किसान कदम उठाएंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देते हुए नजर आएंगे आप? किसानों के हित के लिए, किसानों के लिए जब भी कहीं भी किसी भी तरीके से कोई बात रखने की बात आएगी, मैंने पहले भी कहा है, मैं खुद एक किसान हूं, तो किसान होने के नाते अपने हक की बात रखना, अपनी जो सुविधाएं लेने की बात रखना, वो कतई गलत नहीं होता, और उसको रखना चाहिए। और मुझे लगता है परिवार की बात परिवार के मुखिया के आगे ही रखी जाती है, और हमारे परिवार के, पूरे हरियाणा के मुखिया माननीय हमारे CM साहब श्री मनोहर लाल जी हैं, जो कि बहुत ही संवेदनशील हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पूरे परिवार की पालना करते हैं। और परिवार का मुखिया कभी भी अपने परिवार को दुखी नहीं देख सकता, और हमेशा ये कोशिश करता है कि वो अपने परिवार के लिए अच्छा करे। चलिए, शुक्रिया निताशा जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो काफी लंबा हो चुका है, लेकिन लंबा चाहे जितना हो, लेकिन तमाम सवालों के जवाब जो है वो लेने बहुत जरूरी थे, क्योंकि किसानों के बीच रहने वाली हैं निताशा राकेश सिहाग। तो ऐसे में सोचा कि क्या इनको भी पता है कि किसानों को वाकई में क्या क्या पीड़ा है, किस किस तरह की पीड़ाएं किसान जो है वो झेल रहे हैं। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि किसानों के बीच जाती हैं, उनकी पीड़ाओं को समझती हैं, और इसीलिए उपायुक्त महोदय के पास जो है वो उनकी समस्याओं को लेकर के गई थी। तो ऐसे में उपायुक्त महोदय ने भी 31 अगस्त से पहले पहले का जो बीमा और मुआवजा दोनों आने का आश्वासन जो है वो दिया है, कि उनके ऊपर बात हो चुकी है CM ऑफिस में। तो ऐसे में 31 अगस्त तक का समय जो है वो निताशा जी ने दे दिया है, अगर 31 अगस्त तक नहीं आता है तो उसके बाद किसान जो भी कदम उठाएंगे उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का आश्वासन जो है वो निताशा जी ने दिया है। खैर, 31 अगस्त तक अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद निताशा जी का क्या कुछ कदम रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, किसान क्या कदम उठाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। खैर, कुल मिलाकर के कहूं तो इस सरकार ने जितनी भी घोषणाएं की हैं,
जितनी भी नई स्कीमें लॉन्च की हैं उनमें से कुछ एक स्कीमें जो हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुई हैं और वो भी ग्राउंड स्तर पे इम्प्लीमेंट जो है वो होती हुई नज़र नहीं आई है। खास करके किसानों के लिए जो स्कीमें लॉन्च की हैं वो जो है ग्राउंड स्तर पे उसको सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दी है। हाँ, ये जो स्कीम जो चला रखी है कि सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो 500 लेंगे और प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे 1100 देंगे, उस स्कीम में भले ही सरकार को एक बहुत बड़ी महारत मिल जाए लेकिन वो भी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन किसानों की समस्याओं की अगर बात करें, चाहे वो फसल भावांतर योजना हो या फिर दूसरी धान की जगह जो है वो नरमे की बिजाई करने की जो 7000 रुपये देने की बात हो, फसल बीमा योजना हो, मुआवजा राशि हो, इन तमाम समस्याओं को लेकर के किसान जो है वो आज भी अपनी समस्याओं से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, आप इस मुलाकात को लेकर के, इस इंटरव्यू को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।